दोस्तों, अगर आपको क्या ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे और वो उसके लिए क्या क्या मेथड होनी चाहिए? और जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट आप एफिलिएट सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक थीम मैंने यूज़ किया है, ऑनमोल के नाम से एक थीम मैंने यूज़ किया है, उस थीम के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो अपने कस्टमाइज, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि फ्लिपकार्ट डुकला फ्लिपकार्ट जैसा है, हाँ इस तरह की अगर आपको वेबसाइट बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे, कैसे उसको कस्टमाइज़ करेंगे। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का भी यूज़ किया गया है कि अगर आपको प्रोडक्ट ये ई कॉमर्स के, अगर आप चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग भी किया जाए, या एफिलिएट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपका भी शॉप हो, तो वो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम मुकम्मल डिटेल से जानेंगे। इसका इंस्टॉल करने से लेकर ये सीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम से है, वर्डप्रेस से ही है। आप चाहें तो इसको कोड से भी बना सकते हैं, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं या फिर रिव्यू करने वाले हैं, तो हम ये बिल्कुल के एफिलिएट मार्केटिंग के, ये सीएमएस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, या वर्डप्रेस से करने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस से किस तरीके से बिल्कुल खूबसूरत से एक वेबसाइट बना सकते हैं। और इसमें एक आप खास बात यह है कि इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। हाँ देखिए कि इसमें क्या बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। तो इस तरह के अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है, सेम इसी तरह का वेबसाइट अगर आप देखें तो आपको और एक वेबसाइट मिलेगा जॉक मेगा मार्ट के नाम से, सेम इसी तरह की वेबसाइट वो भी है जॉक मेगा मार्ट के नाम से, वो भी वेबसाइट है, उसमें भी किसी इसी तरह की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, बट चीज़ें तकरीबन तकरीबन सेम सेम वही हैं, देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप जैसे देख सकते हैं कि बिकम एंड एफिलिएट का भी इसमें लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी बंदा एफिलिएट कर सकता है। आप जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एफिलिएट ज्वाइन होने का क्या प्रोसेस है, इसमें क्या हाउ टू वर्क लिखा हुआ है, कि योर बेनिफिट लिखा हुआ है, तो इसमें का पूरा प्रोसेस दिया गया है एफिलिएट का, ये किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पेज के हम ये करते हैं। इसके अलावा जब से जैसे आप देखें माई अकाउंट पेज, अगर आप माई अकाउंट पेज देखेंगे तो आपको इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे आप अगर लॉगिन पॉपअप करना चाहेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट में है, अगर उस तरह के आप पॉपअप देखना चाहेंगे तो आप इस तरह से भी यहाँ पॉपअप का दिया गया है, यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ऑर्डर ट्रैकिंग की बात है, अगर जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और जो यहाँ पे का ये शॉप का है, शॉपिंग का है, तो इस तरह के बहुत सारे इसमें चीज़ें दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और या इसको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से प्रोसेस है, जिस तरीके से आप कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसेस है इसको भी इंस्टॉल करने का, और उसका सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, ये मैं अभी लॉगिन कर चुका हूँ और इसमें क्या आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ। और अब हम इसमें देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, इसमें कुछ प्लगइन है जो प्लगइन हमें यूज़ करना है, और कुछ ऐसे थीम्स हैं जो हमें यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको थीम्स ले लूँ, तो अनमोल के नाम से एक थीम है, ये आपको थीम मिल जाएगा अनमोल के नाम से थीम है ये।
ये थीम हमने यूज़ किया है, ये इस थीम का यूज़ करके हम ये काम करेंगे। इसको अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय बिल्कुल कर सकते हैं। ये थीम फॉरेस्ट से यहाँ पे आप बाय करना चाहें बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये थीम चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। या फिर आप सीखना चाहते हैं सीखने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। जिसमें 3-4 पेजेस हैं, इसमें एक होम पेज भी है, तो आप सीखने के पर्पज़ से अगर आप ले करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक मल्टी चीज़ें हैं, बट इन सारी चीज़ों को हटा के कस्टमाइज़ करनी है, या आप खुद से सब कुछ करना है, ये सारी चीज़ें लेना नहीं है, आपको खुद से कस्टमाइज़ करना है। जैसे आपको एक थीम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे द मीट मर्चेंट, ये भी जो अभी जो बना हुआ है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ द मीट मर्चेंट वेबसाइट है, ये भी इसी के थीम से बना हुआ है, ये भी एक कस्टमाइज वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोसरी की वेबसाइट है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा जब आप किस तरीके से इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसमें कि ये दिल्ली की वेबसाइट है कि यहाँ पे इस बंदे ने क्या बहुत से ऑर्डर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि मेन्यू का भी ऑप्शन है, तो ये किस तरीके से आप करेंगे तो ये भी मैं आपको दिखा सकता दिखाऊँगा, ठीक है। तो खैर ये इसके लिए काफ़ी मैं बाद में दूसरे का ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आज हमको जो रिव्यू करने वाले हैं वो SEO का, सॉरी ये स्ट्रॉ ऑनलाइन 24 के जो है इसके हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक थीम की रिक्वायरमेंट है जो अनमोल के नाम से है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से एक ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए कुछ प्लगइन्स वगैरह हैं, जो प्लगइन्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें के कॉमर्स के प्लगइन्स ऑलरेडी है, ट्रैकिंग के नाम से कुछ प्लगइन है, आप प्लगइन पे जाइए को, ठीक है प्लगइन पे जाइए तो प्लगइन पे देखेंगे इसमें कि मैंने बहुत सारे प्लगइन मैंने यूज़ किया है, लगभग इसमें ऑलमोस्ट 44-45 प्लगइन है, जैसे मैंने ऐड के लिए भी एक प्लगइन यूज़ किया है, ये सारे का अपडेटेड अपडेट मांग रहा है, तो हमें इनमें से कुछ प्लगइन हमने क्या डीएक्टिव भी कर रखा है जो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो खैर का अब हम चलते हैं इसकी के होम पेज की तरफ, कि हम किस तरीके से इस तरह का जो होम पेज है वो होम पेज हम किस तरीके से क्या कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या हम चलते हैं पेज पे, और पेज पे हम एक एक करके हम बताते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, क्या कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका फ्रंट पेज ले लेता हूँ, तो इसमें दो चीज़ें हैं, आपको मोबाइल का लुक बिल्कुल इसमें अलग दिखेगा, आपको अगर मोबाइल में देखना हो तो मोबाइल का लुक आपको ये वाला पेज दिखेगा। इसमें मल्टी पेजेस हैं कि आप मोबाइल के लिए बिल्कुल अलग बना सकते हैं, जैसे ये वाला है ये बिल्कुल ये मोबाइल के लिए, आप अगर इसको मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में इस तरह का दिखेगा, ये जो है मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। इसमें दो दो प्रोडक्ट दिख रहा है, आप इसमें का मल्टी का चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे एक फ्लिपकार्ट का है सेम उसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर पूरा देखना हो तो आप व्यू पे क्लिक कीजिए, तो व्यू पे क्लिक करके इसका पूरा देख सकते हैं जो कितने इसमें इस पेज में प्रोडक्ट्स हैं नहीं है, वो आप पूरा देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये मोबाइल पेज के लिए एक ख़ास बात ये है कि आप इसमें एक मोबाइल के लिए अलग से पेज बना सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग से पेज बना सकते हैं, इस थीम में एक ख़ास बात है। ये हम कैसे सेटअप करेंगे ये भी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो डेस्कटॉप का पेज है, ये डेस्कटॉप का पेज है, ये डेस्कटॉप का पेज पर हम किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो बड़ा सिंपल डिज़ाइन करना है, ये आप WP बैकरी के साथ हम इसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए कि आपको प्रोडक्ट्स डाल लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप प्रोडक्ट्स डाल लें, कुछ प्रोडक्ट्स डाल लें, तकरीबन 10-20-25 कुछ प्रोडक्ट्स डाल लें आप यहाँ पे, उनको प्रोडक्ट्स पे जाके कुछ प्रोडक्ट्स डाल लें। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपने प्रोडक्ट पहले ऑलरेडी डाल रखा है, मैंने यहाँ पे 291 प्रोडक्ट डाल रखा है, मुझे 290 प्रोडक्ट पब्लिश है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पहले प्रोडक्ट डाल लिया, उसके बाद होम पेज डिज़ाइन करना है, तो होम पेज डिज़ाइन करने के लिए बड़ा इजी है, इजी प्रोसेस है। जैसे आप ये है क्विक टू गो, ये जो प्रोसेस है अगर आपको ये करना हो तो इसके लिए आपको कोड का लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये आपका यहाँ पे गया है क्विक टू गो, ये आपका कोड है,
इस कोड के तहत ये किया गया है। तो आप चाहें तो इसमें क्या कुछ चीज़ें क्या चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। न सर ये कोड नहीं है, इससे ऊपर ये वाला है, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया गया है। तो ये क्विक टू गो के नाम से के यहाँ पे ये चीज़ें रखा गया है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर हम इसको अगर हम कैसे ओनली कैटेगरी करें, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्ट कैटेगरी दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसको कैटेगरी पे कर दें या टैग कर दें या लिंक कैटेगरी कर दें, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। इसे मैं सिर्फ कैटेगरी कर देता हूँ, कैटेगरी करके यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूँगा तो ये वाला जो चीज़ है, ये यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो के यहाँ पे आप अपडेट करके भी देख सकते हैं। तो डब्ल्यू क्विक टैग का टैग क्लाउड के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, ये चीज़ें आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, इसके लिए आप जिस पर क्लिक करेंगे उसका डब्ल्यू पी टैग के नाम से ऑप्शन होगा, ये है देख सकते हैं डब्ल्यू पी टैग क्लाउड, ठीक है। ये सेक्शन सिलेक्शन करेंगे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, ये स्लाइड है, तो ये स्लाइड का हम कैसे बनाते हैं, स्लाइड रेवोल्यूशन के नाम से एक ऑप्शन है, ये है रेवोल्यूशन स्लाइड, इसके जरिए से हम बनाते हैं। तो ये भी बनाना बड़ा इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक अभी देखिए मैंने इसको जो किया है वो चेंज हो गया है लगभग, ठीक है, यहाँ से वो गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट का है ही नहीं था, हाँ, इसलिए ये गायब हो चुका है। ये कैटेगरी के नाम से कोई लिंक नहीं है, बट प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से है। ये पोस्ट की कैटेगरी हमने डाला नहीं है ऑलरेडी, अगर हम पोस्ट की कैटेगरी डालते या ब्लॉग की कैटेगरी डालते तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख जाता, ठीक है। तो हमारे केस में हमने के यहाँ पे कैटेगरी के डाला नहीं है, तो हमने प्रोडक्ट कैटेगरी डाल रखा है, इसलिए हम प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो ऑप्शन है कि यहाँ पे ये स्लाइड रेवोल्यूशन है, तो आप स्लाइड रेवोल्यूशन किस तरह का तैयार करेंगे, तो स्लाइड रेवोल्यूशन के सिंपल है कि आप यहाँ पे इसी पे थीम के अंदर स्लाइड रेवोल्यूशन के नाम से एक प्लगइन होगा, उस प्लगइन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्लाइड रेवोल्यूशन, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी स्लाइड आपको तैयार करना हो वो स्लाइड आप इसमें का ले सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको सैंपल स्लाइड है तो सैंपल स्लाइड भी ले सकते हैं। सैंपल स्लाइड के लिए यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको खुद से क्रिएट करना हो तो यहाँ पे न्यू स्लाइड के नाम से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके जो स्लाइड की जो पिक्चर है वो पिक्चर आप इसमें डालेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है जो उस फॉर्मेट को रखेंगे। तो उसके जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मैं टेस्ट के नाम से डालता हूँ, और उसके बाद इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है स्लाइड का कोड हो गया, तो आप ये कोड ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट चूज़ किया, उसके बाद ये फॉर्मेट चूज़ किया, और यहाँ पे कस्टमाइज़ करना चाहेंगे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहेंगे आप सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने सबको ऑटो रखा है, डेस्कटॉप में ऑटो दिखेगा, मोबाइल में भी ऑटो दिखेगा, तो ये अपने हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद का हम ले लेते हैं, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ अब स्लाइड आ गया, अब इसमें क्या हम वीडियो भी डाल सकते हैं और क्या टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इमेज डाल के देखेंगे, इमेज में क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो इमेज में मीडिया से ले लेता हूँ, कोई सी इमेज ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो भी इमेज लीजिए उसको कोशिश कीजिए कि वो एक ही साइज़ का हो, दो तीन स्लाइड आप इससे ले लें। सेम इस तरह से इसको भी आपको डुप्लीकेट बना लीजिए, डुप्लीकेट बना के आप इसको फिर एडिट कर लीजिए, ठीक। एडिट करने के लिए आपको यहीं से दूसरी इमेज लेना पड़ेगा, ये दूसरी इमेज आ गया, ठीक है, एडिट हो गया। तो इस तरह से अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने जो किया था अभी टेस्ट का नाम से किया था स्लाइड, तो वो टेस्ट के नाम से स्लाइड अगर हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो हम बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, इस पर क्लोन पर टैप क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि टेस्ट के नाम से स्लाइड आ चुका है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करके देखता हूँ कि ये स्लाइड ऑटोमेटिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जो स्लाइड के बाद देखिए नीचे का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर आप करना चाहते तो ये कोड के जरिए कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा कोड है, उस कोड के थ्रू क्या आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं जो स्लाइड हमने किया है वो स्लाइड यहाँ पे आया या नहीं आया, ठीक। आप देख सकते हैं अभी जो मैंने स्लाइड किया था वो स्लाइड यहाँ पे आ चुका है। तो इसका ये फॉर्मेट बनाएंगे, अब जो फॉर्मेट करेंगे उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखेगा,
हाँ इसका ऑटो मैंने किया नहीं था इसलिए। ठीक है तो ये ऐसा सेटअप नहीं हुआ तो आप ये करना चाहिए इजीली आप कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है तो खैर मैं इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बाद आपका ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोड है, ये कोड आप यूज़ करेंगे। कोड यूज़ करके आप चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। ठीक है ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो इस कोड की तो आप हमें मेल कीजिए, मैं मेल का सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन ये जो तीन दिख रहा है, हाँ तो ये तीनों इमेज को आप बनाना चाहें आप यहाँ से बना के तीनों इमेज को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे के मैंने कर रखा है इसको, जिसने ये देखे इसको क्या कर रखा है, तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पे इसे इमेज चेंज करेंगे और चीज़ें क्या इजीली हो जाएगा। उसके बाद गिफ्ट एंड डेकोरेशन के नाम से, तो यहाँ पे एक आप देखना टॉप कलेक्शन के नाम से लिया गया है, तो कॉमर्स में टॉप कलेक्शन के नाम से जाएंगे जब ये कॉमर्स टॉप कलेक्शन, तो ये स्लाइड सिस्टम है ये, तो आप इसको ले सकते हैं कॉमर्स टॉप कलेक्शन। WP ओ कॉमर्स काउंट स्लाइडर टॉप, WP का ओ कॉमर्स कैटेगरी स्लाइडर, तो इसमें कैटेगरी स्लाइडर ये वाला है। ठीक है ये यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, इसमें बहुत सारी के फैसिलिटी हैं कि उनको फिर एक करके अलग अलग तरीके से गिफ्ट आर्टिकल डेकोरेशन वगैरह इस तरह के सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से सबको एक एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि ये आपको सैंपल मैंने आपको दिखाया है, आपको अगर खुद से करना हो तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा आप किस किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कस्टमाइज है, कोई चीज़ इसमें डेमो की इंपोर्ट की चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ कस्टमाइज़ की गई है, आप इनको कस्टमाइज़ करके बिल्कुल ईजी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ तक रही बात इस चीज़ के एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग जो करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आप ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे कई यूज़र ने पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉग इन करेंगे, उसके बाद आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले एक प्लगइन है, जो प्लगइन मैंने यूज़ किया है वो प्लगइन मैं आपको दिखाता हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमने यूज़ किया है, वो है ये वाले प्लगइन है, YTW प्लगइन के नाम से है, YITH वू कॉमर्स एफिलिएट के नाम से है। ये बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें एक लोचा है नहीं। अब इस प्लगइन के माध्यम से आप एफिलिएट में जितना आप कमीशन देना चाहते हैं वो कमीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और कुछ जो पेंडिंग होते हैं वो पेंडिंग भी आप देख सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट आप सेल हुआ नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं, कौन कितने एफिलिएट कमीशन वाले आए हैं, मतलब कितने लोग चाहते हैं कि हम एफिलिएट करेंगे उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है। आप इनके अप्रूवल देना चाहें अप्रूवल दे सकते हैं, इजीली तरीके से अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है। अगर आपने अप्रूवल नहीं देना है तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको पेमेंट की चीज़ें लगवा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो खैर इसके हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है इस तरह का, अगर आपको करना हो तो इसके लिए भी आप एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। आप ये प्लगइन का आप यहाँ पे ये जो प्लगइन है लॉगिन एंड साइन अप पॉपअप के नाम से ये प्लगइन आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके बिल्कुल इजीली और इफेक्टिविटी आप जो है इस तरह की जो वेबसाइट है आप इस तरह की वेबसाइट बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है अब रही बात है कि मोबाइल वाले वर्जन की, आप मोबाइल में अलग से वर्जन किस तरह से रखेंगे, तो इसके लिए भी थीम के अंदर ही ऑप्शन होता है कि आप मेन थीम में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे थीम ऑप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मोबाइल के लिए अलग से एक पेज बना सकते हैं,
और डेस्कटॉप के लिए अलग से पेज बना सकते हैं, उन पेज को अलग अलग तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए हेडर फुटर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ मोबाइल का लेआउट देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल का लेआउट है और मैंने यहाँ पे मोबाइल के लिए होम पेज सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये मोबाइल के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक। तो आप जब मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ यही पेज दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, मोबाइल होम पेज के नाम से है, तो यही पेज आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें की ख़ास बात ये है कि आप इसमें मोबाइल का वर्जन अलग से आप सेटअप कर सेट करके रखना चाहें और बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें भी दो स्टाइल है, आप जब चाहें जिस तरह चाहें दो अपने वर्जन को, अपनी साइट को दो तीन स्टाइल में आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि अगर हम इसी थीम के अंदर इसी थीम में क्या हम वूकॉमर्स की जो ग्रोसरी की वेबसाइट होती है वो ग्रोसरी की वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे इसी थीम में, जो उस तरह और उसमें क्या 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 प्रोसेस होती है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा। वूकॉमर्स की जो वेबसाइट ग्रोसरी की वेबसाइट होती है वो आपको प्रैक्टिकल अगले वाले ट्यूटोरियल में दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या जो वो है उसके जो मेन होम पेज है मैं आपको दिखा देता हूँ, द मीट मर्चेंट डॉट कॉम के नाम से, वो इसी थीम से बना हुआ है। आप उसको ईजिली अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा वेबसाइट है, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, कि बिल्कुल ईजिली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी कस्टमाइज़ किया गया है, ठीक है, ये भी जो देख रहा है आपको ये भी कस्टमाइज़ किया गया है। इसका चेकआउट जो ऑप्शन है वो भी कस्टमाइज़ किया गया है, देखिए कितना खूबसूरत से लग रहा है। तो ये इसमें आप अपने हिसाब से बिल्कुल ईजिली तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, इसमें एक व्हाट्सअप भी लगाया गया है कि अगर आपको व्हाट्सअप से ऑर्डर लेना हो तो आप इसमें व्हाट्सअप से भी ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें क्या डायरेक्ट है वो आपका ऑनलाइन, अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। इसमें जो पेमेंट ऑप्शन है वो पेमेंट ऑप्शन भी इसमें लगा सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन इसमें लगा गया है, पेटीएम का लगा हुआ है, वीज़ा कार्ड लगा हुआ है, तो इसमें क्या बहुत सारी की चीज़ें इसमें आप बिल्कुल ईजिली तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस तरह की वेबसाइट है वो कैसे बनाते हैं। मैं इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसमें 20-25 प्रोडक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।